1950 और 1960 का बीच में अक्का भारत में वो खाने का चीज़ का बहुत धान का बहुत कमी था। इसका कारण ये था, ब्रिटिशों ने सैकड़ों बरस से अमेरिका से कापूस और तम्बाकू अपना इंडिया शिप के लिए खरीदते थे। वो बहुत सस्ते में मिलता था। वो जंगल कटा हुआ था, ज़मीन बहुत फायदावर था और वो निग्रो स्लेवरी था, उपकुट में काम चलता था उनका, इसलिए प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम था। वो सस्ते में ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को बेचते थे। वो जब भी स्लेवरी अबालिश हो गया, इसको बहुत भारी पड़ा, खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, मिशनरी लाना पड़ा और माटी का पैदावार भी कम हो गया, इसलिए फर्टिलाइज़र कंजम्पशन करना पड़ा, इसलिए भाव बढ़ गया। जब भी ब्रिटिश ने सोचा भारत हमारा कॉलोनी, उनके ऊपर दबाव डालना और धान बहुत उगता है उधर, वो उसका बदले में तम्बाकू और कापूस उगाने को शुरू किया। लेकिन ये भी मालूम था उनको, अभी आज़ादी का झगड़ा चल रहा है, अभी थोड़ा जल्दी से जल्दी उसको देना पड़ेगा। ये 1930 में हुआ था, आज़ादी बन गए तो फिर हमारा खुद दबाव नहीं चलेगा, इसलिए आदत सिखा दिया। वो सुबह में कॉफ़ी, शाम को बीर, ब्रांडी और कपड़ा, सब बेकार का आदत सिखा दिया। वो लोग को पैसा का ज़रूरत पड़ गया, इसलिए वो अपना घर का रसाई घर का भी भूल गया, ज़्यादा कापूस और तम्बाकू उगने लगा। ये कारण से 20 बरस के बाद उसका दुष्परिणाम मिला। ये सबको मालूम था, ये ओपन सीक्रेट था। लेकिन आज़ादी के बाद भी भारत सरकार वो अपना नीति बदलाया नहीं है, वो एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट और बढ़ाया फॉरेन एक्सचेंज के लिए। इसलिए 1950 और 1960 के बीच में अन्न का बहुत कमी पड़ा था। वो पब्लिक लॉ अग्रीमेंट करके अमेरिका से PL-480 बहुत ख़राब अग्रीमेंट था, वो भीख मांगने जैसा। वो जब भी बजता था मिनट एडमिशन को उसको वोट करना था, ऐसा कंडीशन से वो सड़ा हुआ, वो जो समुद्र में फेंकता था ऐसा दान दिया। फिर भी हमको दूसरा रास्ता नहीं था, वो ही करना पड़ा। इसलिए गवर्नमेंट ने, और ये भी अमेरिका कुतंत्र था, उसके पास काफ़ी ये रासायनिक खाद कीटनाशक उत्पादन होता था, व्यापार कम होता था, हमारे ऊपर डाल दिया, ये ले लो, वो बहुत अनाज उगेंगे, ऐसा करके वो रॉकफेलर फाउंडेशन वो हमारे लिए वो यूनिवर्सिटी दिया, दर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी दिया, उसका पूरा खर्चा रॉकफेलर फाउंडेशन ने दिया, पूरा लाइब्रेरी उन्होंने दिया। और प्रोफेसर इन द वो पीस कार्प्स नाम से, पीस कार्प्स वो बहुत धोखाबाजी नाम रखा उसको, पीस कार्प्स का नाम रखा, वो उनको भेजा, वो प्रोफेसर बन गया, पूरा भारत का जो सिस्टम था वो बदली कर दिया। ट्रैक्टर चलाने का, हल चलाने से कभी आप खेती करेंगे, एक ट्रैक्टर एक दिन में 30 एकड़ तैयार कर सकता है, ऐसा करते 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 ट्रैक्टर आ गया और हाइब्रिड बीज आया, हाई यील्डिंग बीज आया और रासायनिक खाद आया, कीटनाशक रोगनाशक आया, ऐसा करते करते वो थोड़ा आसानी भी था, आदमी का मेहनत कम था, लोग किसानों भी मान लिया और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन उसको बढ़ावा दिया, ज़्यादा सब्सिडी मिला और कम भाव में, बहुत कम भाव में फर्टिलाइज़र मिला, ऐसा करके पूरा भारतीय खेती उसके निर्भर हो गया। लेकिन 10 बरस में 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, 1970 तक उसका दुष्परिणाम सबको मालूम हो गया। वो स्टैग्नेशन बोलता है, स्टैग्नेशन नहीं, वो गिरता था, प्रोडक्शन गिरता था,
एकर का, वो कारण बहुत सिंपल है, एनपीके अप्लाई करता है, लेकिन एग्रीकल्चर साइंस आज तक वो 162 बरस का साइंस का बात कर रहा है एनपीके, वो उसका माफिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, खाली भारत में नहीं है, अक्का दुनिया में 16 न्यूट्रिएंट बोलता है, क्रॉप का 16 न्यूट्रिएंट बोलता है। अभी अभी हम हैदराबाद गए था, वो एक सेट में वो डायरेक्टर से मिला, वो बोलता है 76 न्यूट्रिएंट, ये लग अभी 16 में लगे हुआ है, 162 बरस का सड़ा हुआ टेक्नोलॉजी है वो। अभी वही किताब है, वही टीचिंग है, वही प्रैक्टिस भी है, तो जो भी हो वो 16 हो या 76 हो, वो जो प्राकृतिक से रूप से आता है खाद, वो अपना कंपोस्ट बना हुआ और सूखा पत्ता, जंगली माटी, तालाब का माटी लाए ने, वो 16 हो 76 हो, पूरा का पूरा मिलता है। और दूसरा एक ये आया, वो ज़्यादा ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स वापरते वापरते एनपीके वो बाकी का कमी हो गया, इसीलिए खाली 10 बरस के अंदर वो प्रोडक्शन कमती होने लगा था, लेकिन ये लोग सुधारा नहीं है, उसी का पीछे लगा किसान, अभी वो आराम है करके सब्सिडी मिल करके उसके पीछे लग गया, वो बहुत बड़ी तकलीफ पैदा हुआ कि गाय और भैंस बैल वो बहुत कम हो गया, वो ट्रैक्टर का वजह से बैल कम हो गया, वो फर्टिलाइज़र मिलता था, गोबर का ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके गत 62 बरस ने जो दक्कन प्रस्थभूमि साउथ इंडिया का जो ह्यूमस कंटेंट 3% था, अभी 0.3 बन गया है, 10 गुना कम हो गया, वो 10 गुना ह्यूमस कम होने से 10% पानी का ज़्यादा बरत पड़ गया, ओके ह्यूमस के बिना पानी नहीं रह सकता, 70% जो माटी है वो पत्थर का धूल है, वो पानी पकड़ नहीं सकता है, और जो 20% है वो हवा और पानी तो कभी हमेशा साथ साथ चलता है, ज़्यादा बरसात आया हवा कमी हो जाता है, ज़्यादा सुखावट आया पानी कम होता है, हवा ज़्यादा होता है, लेकिन वो दोनों मिलकर 20%, वो 70% वो पत्थर का धूल का भी महत्व नहीं है खेती में, ये हवा और पानी भगवान का कृपा से भी मिल रहा है हमको, बरसात का और हवा ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन जो आखिर का 10% ही नहीं, उसमें 8% सूक्ष्म जीवी होना मांगता था, ये रासायनिक खाद और कीटनाशक वापरने से वो 8% नहीं है, 1.5% नहीं बचा है, वो जो बचा है वो भी हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं रह सकता है वो विष के साथ, और जो 2% आखिर का ह्यूमस रहना मांगता था वो 0.3 में आ गया है, इसलिए ये दिक्कत फायदा हो गया, पानी का बहुत पैसा है भूमि, कितना भी पानी देंगे वो बह जाता है, हम जिधर ह्यूमस नहीं है उधर पानी पकड़ने का कोई पत्थर का धूल, ये सब किसान सब साइंटिस्टों ने सब राजनीतिक ने ये समझना मांगता है, जब तक भारत का माटी में 2% ह्यूमस बढ़ा नहीं सकता है जब तक हमारा स्थिति सुधरता नहीं है, फिजा का स्थिति सुधरता नहीं है, खर्चा का भाव ज़्यादा होगा, जो वो खाली पानी पकड़ने का नहीं है ह्यूमस, वो 8% जो कीड़ा है जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका घर बनता है, उसको शेल्टर बनता है, उसको इंसुलेशन बनता है, हवा का तेजी में या ठंडी में वो इंसुलेशन चादर बनता है उसको, और पानी देता है, खाना देता है,
अर्थवर्म से लेके दीमक तक, चिमटे तक, सूक्ष्माणु तक, ये ह्यूमस बहुत जरूरी है। जब तक हम 2% ह्यूमस बनाता नहीं है, वो ऑर्गेनिक खेती हो नहीं सकता है। इसलिए वो बढ़ाने का बहुत मेहनत करना जरूरत नहीं है, खाली रासायनिक खाद तुरंत छोड़ना है, बंद करना है, और रासायनिक कीटनाशक बंद करना है। वो अपने आप वो ह्यूमस जलना कम हो जाता है। तो 2 कारण से ह्यूमस का लॉस होता है। एक तो धूप ज़्यादा है दक्षिण भारत में, धूप जिधर ज़्यादा होता है उधर दर बरस वो साइल का कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, मल्चिंग नहीं है, शेड नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। तो एक बरस में, एक एकड़ में 8 से 10 टन ह्यूमस मिनरलाइज हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है जल के। और अपना जो वो ऐसा होता है 10 टन तक वो चाव नहीं होने से, उसको मल्चिंग नहीं होने से ऑटोमेटिक होता है। और वो नाइट्रोजिनस मैन्योर, पर्टिकुलरली यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, CAN, जो रासायनिक नाइट्रोजन होता है, वो अप्लाई करने से वो 8 टन 10 टन से 16-20 टन बन जाता है, डबल दुगुन बन जाता है। ये कारण से गत 60 बरस में दक्कन पृष्ठभूमि में, दक्षिण भारत में, अक्का दक्षिण भारत में, पूरे इंडिया में भी हुआ है। और जो 3% था वो 0.3 में आ गया है। ये बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है। अभी 10 बरस ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे वो भी गायब हो जाएगा, बाद में कोई चीज़ जिंदा नहीं रहेगा, वो डेजर्ट बन जाएगा, पेड़ पौधे भी नहीं रह सकता है, कोई जीवी भी नहीं रह सकता है, इतना खतरनाक है। इसलिए किसान भाइयों ने ये समझना मांगता है, जल्द से जल्द रासायनिक नाइट्रोजनस, कम से कम नाइट्रोजनस मैन्योर बंद करना, वो भी बंद करता है, पोटाश ट्रांसफरस भी बंद करता है। मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, 40 किलो गुड़ रख के 1 एकड़ में 3 दफ़ा सब्जी उग सकता है, बाकी चीज़ हमारा ही, उसमें कुछ प्रिपरेशंस है, 6-7 प्रिपरेशन वो करें, वो वापरेंगे, कोई कॉम्पोस्ट का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और भूमि हमेशा ह्यूमस के फुल उसके साथ भरपूर रहेगा। इसलिए किसान भाइयों ने तुरंत ये काम करना, रासायनिक खाद अप्लाई करना बंद करना। ये बोलेंगे रासायनिक खाद नहीं बनाए, अप्लाई नहीं करे तो हमारा पीक कैसा आएगा? एक गाय का गोबर और गोमूत्र कंपोस्ट करने से 4 एकड़ का कंपोस्ट दे सकता है। ये क्रियन टेक्नोलॉजी जो है, 5 किलो मच्छी का वेस्ट, कच्चा मच्छी का जो वेस्ट वो जो फेंक देता है वो तैयार करने में, उसके साथ 5 किलो गुड़, वो काफ़ी नाइट्रोजन मिल सकता है 1 एकड़ के लिए स्प्रे करने का। ज़मीन में डालना ज़्यादा रिक्वायर है, इसलिए वो फोलियर स्प्रे देने से 5 किलो मच्छी का वेस्ट और 5 किलो गुड़ से काफ़ी नाइट्रोजन दे सकता है। 1 किलो गाय का अड्डी से वो चारकोल बनाना और उस वो पानी में डुबा के रखने से 1 एकड़ का फास्फोरस कैल्शियम मिल जाता है। और 1 किलो तमाका काड़ी वो थोड़ा कूट के पानी में डुबा के रखने से 1 एकड़ का पोटाश मिल जाता है। ऐसे ग्रोथ प्रमोटर बनाता है, एकता है, कीटनाशक बनाता है, रोगनाशक बनाता है। 2 किलो अदरक और 2 किलो गुड़ या 2 किलो लहसुन और 2 किलो गुड़ से दोनों में एक कर सकता है, दोनों में अलग अलग कर सकता है, उसमें 1 एकड़ का फंगिसाइड बन जाता है। इतना सस्ता, इतना सुविधा और इतना अच्छा करने वाला चीज़ हम क्यों पॉपुलर किया, मुझे
समझ में नहीं आता है। चाइना में ये 60 वर्ष से प्रचलित है, वो कुरिया चो का टेक्नोलॉजी 60 वर्ष से प्रचलित है, भारत में अभी तक उसका बात करने वाला भी नहीं है। ये दुख का बात है। इसलिए किसान भाई ने, वो गवर्नमेंट करेगा क्या मालूम नहीं, वो तो वोट बैंक क्रिएट कर रहा है। कोई भी गवर्नमेंट आएगा, यूपी आएगा, एनडीए आएगा, कोई भी आएगा, वो वोट बैंक के पीछे है। इसलिए किसान भाई ने अपना जिंदगी सुधरना है, अपना माटे को सुधरना है, तो ऐसा नेचुरल वेस में आके गाय पालना और पेड़ लगाना, ये बहुत जरिए भारत का। मेरे ख्याल से कानून बनना था, वो कानून बनेगा या नहीं बनेगा, किसान अपना एक एकड़ ज़मीन में 25% पेड़ लगाना, एक दो गाय पालना, वो अपना ज़मीन अपना खेती अपने आप सुधर जाएगा। जब तक पेड़ नहीं रहेगा और गाय नहीं रहेगा, भारत का स्थिति और खराब होते ही रहेगा। और मेरे ख्याल से ज़्यादा 10 बरस के बाद हम ज़मीन में ये साइंस से ये ऐसा कंटिन्यू करेंगे, खाने का भी नहीं मिलेगा, पीने का पानी तक नहीं मिलेगा, इतना दुस्थिति आएगा। उसका पहले किसान भाइयों ने अपना रीत रिवाज बदली करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या सावयव खेती में जाना बहुत ज़रूरी है।